तो ये हमारा इलाका तुम्हारा इलाका कोई इलाका नहीं है, ये पूरा देश भारत है, एक राष्ट्र है। विरल पटेल जी धन्यवाद भैया। तो साहब ऐसा बेहतरीन काम होता जब आप देखिए, नेताओं को जनता से डर लगना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जिस दिन ये होने लगेगा देश की राजनीति एकदम स्वच्छ हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी, अच्छे लोग आएंगे। ये गुंडे मवाली बदमाश टाइप की ये भाषा है इन लोगों की कि देख लेंगे ऐसा कर लेंगे। आनंद आया कि नहीं आया, तो बोलो आज के आनंद की जय हो। चलिए भाई ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे ना, आइए अब एक ऑडियो क्लिप पर चलते हैं। हाँ ये ऑडियो बड़ा वायरल है भाई, सुनिए। विधायक जी नमस्कार, आदेश बोल रहा हूँ। नमस्ते आदेश, बताओ। पंडितों में अब एक बात बताइए, कोई विधायक इस तरह से बात करता है क्या? कोई विधायक महिला इस तरह से बात करेगी? और ये बिल्कुल जवान महिला की आवाज़ है, एकदम क्लियर बताया जा रहा। मंजू सिवाच की आवाज़ है। हाँ आदेश बताओ, विधायकों की आवाज़ ऐसी नहीं होती, बहुत कड़क होती है। कम से कम वीडियो तो सही बना लिया करो जाहिलों, वीडियो तो सही बना लिया करो। अब इस फर्जी वीडियो को ट्वीट करने वाले कौन है? सुजाता पॉल, वाइस प्रेसिडेंट AIPC उत्तराखंड, एक्स सीनियर कोऑर्डिनेटर, और वेलम गर्ल्स में पढ़िए ये, बताइए ये स्थिति है। ऑल इंडिया प्रदेश कमेटी उत्तराखंड की है, वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस कमेटी की, और इन्होंने ये वीडियो शेयर किया। अच्छी बात है साहब, वीडियो और ने भी शेयर किया, पंकज सराफ जी इनसे मिलिए। ये कौन है भाई साहब? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है, सिस्टम प्रोग्रामर, गांधीयन कांग्रेस स्टेट कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया। कैसे प्रोग्रामर हो, कैसे पढ़े लिखे जाहिल लोग हो यार, इन्होंने भी शेयर किया है वही वीडियो। इस प्रदेश के लिए सुनने में आया कि ठाकुर भी नाराज हमसे और गुजर भी नाराज है, और क्षेत्र में मंजू सिवाच मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं, तो कैसे लड़ेंगे चुनाव? अरे सब हो जाएगा, अपना चुनाव हिंदू मुस्लिम बनाओ, हिंदू मुस्लिम बनाओ और चाटों पर ध्यान दो। ओहो हो मैडम, बड़ा गलत ट्राई कर लिया आपने। मुझे लगता है दोनों आवाज़ पंकज सराफ और दूसरी जो छोकरी थी सुजाता पॉल, इन दोनों की ही आवाज़ है, इन दोनों ने मिलकर शायद ये वीडियो बनाया। बहरहाल इस वीडियो को लेकर हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग कर दिया। हेलो उत्तर प्रदेश पुलिस DGP, काइंडली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस मैन स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ विद इंटेंशन टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो इलेक्शन के दौरान ये करने का प्रयास है, ये फेक है, और ऐसा हम नहीं करें, ऐसा पहले ही हो चुका है। मोदी नगर की बीजेपी प्रत्याशी का फर्जी ऑडियो वायरल, मुकदमा दर्ज, इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है। 10 फरवरी को मुकदमा दर्ज हो गया, शाम को 4:12 की न्यूज़ है, ठीक है? तो मुकदमा दर्ज हो गया, कांग्रेस ये झूठा वीडियो चला रही है, झूठा वीडियो। अब जरा इनकी आवाज़ भी सुन लें, इनकी आवाज़ कैसी है? मैं स्वयं पेशे से डॉक्टर हूँ, सम्मान से बोलना, सभी को बराबर मानना, मैं और मेरे पति हमेशा ऐसी ही भावना से काम करते हैं, और राजनीति एक सेकंड चीज़ है, मानवता और सभी धर्मों का, सभी जातियों का आदर करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आवाज़ सुन ली इनकी, अब आइए इस आवाज़ को सुनिए। विधायक जी नमस्कार, आदेश बोल रहा हूँ। सुनने में आया कि ठाकुर भी और क्षेत्र में मंजू सिवाच मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं, तो कैसे लड़ेंगे चुनाव? अरे सब हो जाएगा, अपना चुनाव हिंदू मुस्लिम बनाओ। अरे सब हो जाएगा, अपना चुनाव हिंदू मुस्लिम बनाओ। आवाज़ फिर से एक बार सुन लीजिए। और उसी भावना से मैं काम करती हूँ, मेरा बस ये मन अंदर से बहुत दुखी हुआ है, और FIR मैंने इसलिए कराई है क्योंकि ये नहीं तो आज मुझे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल किसी और के साथ भी ऐसा करेंगे, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। और समझ में आ गया, आवाज़ में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, आवाज़ की पिच में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, आवाज़ की स्पीड जो आप करते हो ना 2x, तो वो 2x इनकी आवाज़ है, पहले वाली जो है बिल्कुल स्लो आवाज़ है, कहीं से कहीं तक मैच नहीं खाती। FIR दर्ज हो चुकी है, कांग्रेस ये झूठ बोल रही है कि बीजेपी प्रत्याशी ने ऐसा कहा, ठाकुर और ब्राह्मणों को दरी बिछाने वाला बताया। ये ऑडियो फेक ऑडियो है, आप सबसे भी मेरा निवेदन है, जहां ये ऑडियो देखे